हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 से चैप्टर नंबर 2 प्राइसिंग, जिसका एक नया टॉपिक है। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। और ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 और 2 जो है वो अपलोड कर दी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया, जब हम लोग प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि प्राइस डिसाइड करते वक्त अगर आपने ध्यान नहीं दिया कोई भी प्रोडक्ट की, भले कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, तो कुछ टाइम में उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। कोई भी उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी सही प्राइसिंग नहीं की है। तो प्राइसिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है मार्केटिंग के अंदर। आगे बात करें, जब भी हम लोग प्राइस डिसाइड कर रहे हो, तो मैनेजमेंट को ना कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, अलग अलग तरह के फैक्टर्स। जैसे एग्जांपल देता हूं कि हमको ये देखना चाहिए कि हमारा कॉम्पिटिटर कितना चार्ज ले रहा है, मतलब कॉम्पिटिटर की प्राइस क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, क्या वो प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। जैसे एग्जांपल देता हूं, पेट्रोल हो गया, मिल्क हो गया, या तो फिर बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसपे गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल रखती है, जैसे कुछ जरूरी मेडिसिन्स हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है वही प्राइस पे मार्केट में बेचना पड़ता है। तो इसका मतलब कि प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो प्राइस को अफेक्ट करती है? तो फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग का सबसे पहला पॉइंट है, वो है गोल। कोई भी कंपनी का गोल क्या होता है? तो हर कंपनी का अपना एक गोल होता है। मैनेजमेंट ना कोई भी प्रोडक्ट डिसाइड करने से पहले, उसकी प्राइस डिसाइड करने से पहले, वो ये देख लेता है कि उस कंपनी का गोल क्या है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल कि यहां पे मान लो कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस डिसाइड करनी है कंपनी को, बट वो प्रोडक्ट जो है वो गवर्नमेंट उसकी प्राइस को कंट्रोल करती है। क्यों गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि कंट्री के अंदर लोगों का वेलफेयर हो, यानी कि डेवलपमेंट हो, तो गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट की प्राइस कम रखती है। जैसे आपको एग्जांपल दे, मिल्क जो दूध है उसकी प्राइस गवर्नमेंट जानबूझ के कम रखती है, बिकॉज कंट्री में हर पर्सन तक वो चीज पहुंच पाए, वो एक एसेंशियल कॉमोडिटी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइस, ठीक है। और कंपनी का गोल क्या है? यहां पे गवर्नमेंट का गोल क्या था? पूरे कंट्री का वेलफेयर, और गवर्नमेंट के हिसाब से उसको अपनी प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है। और यहाँ पे और भी चीज दी है, इवन फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट द मैनेजमेंट कीप्स द गोल इनटू कंसीडरेशन, दिस गोल अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यस, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती है, कुछ ऐसे कंपनीज होती है जो ये चाहती है कि वो पूरे मार्केट पे राज करे, यानी कि उनकी प्रोडक्ट पूरे मार्केट में चले, तो वो पता है क्या करेंगे, अपनी प्राइस को बहुत कम रखेंगे। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो चाहती है कि भले एक दो कस्टमर ही खरीदे, बट हम लोग अच्छे से अच्छी क्वालिटी देंगे और ज्यादा प्राइस पे बेचेंगे। तो वहां पे भी क्या होगा, उस कंपनी का गोल क्या है? हाई प्रॉफिट अर्न करना। तो अलग अलग तरह के हर कंपनी के गोल होते हैं जो उसको ध्यान में रखने होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें, पॉइंट नंबर है 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। जब भी कोई भी कंपनी प्राइस फिक्स कर रही हो, तो एक चीज जरूर ध्यान में रखे, वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के पीछे का खर्चा और उसके पीछे का एक्सपेंडिचर, और उस देखो एक्सपेंडिचर उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने का, वो सारी चीज को कैलकुलेट करके ही कोई भी प्रोडक्ट अपनी प्राइस डिसाइड करे, कोई भी कंपनी अपनी प्राइस डिसाइड करे। और ये जो खर्चा होता है, खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन का, वो किस पे डिपेंड होता है कि कितना मार्केट है, कितना बड़ा मार्केट है, उसकी साइज क्या है। अगर देखो मार्केट वाइड है ना, तो सेल्स जो है वो बढ़ेगा, और मार्केट छोटा है तो सेल्स कम होगा। अब मार्केट बड़ा होगा तो खर्चा भी ज्यादा होगा, मार्केट छोटा होगा तो खर्चा भी कम होगा, सिंपल चीज। और अगर मान लो मार्केट सेंट्रलाइज्ड है, तो जो कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग है वो कम होगा। बट अगर मार्केट सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है एक ही जगह पे मार्केट है, सारे लोग एक ही जगह पे आके खरीद रहे, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एरिया के, तो उसको सेंट्रलाइज्ड कहते हैं। बट अगर मान लो मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड है, तो मार्केट बहुत बड़ा है, तो सेल्स जो है वो बढ़ेगा और उसके पीछे का खर्चा भी बढ़ेगा, मार्केटिंग की कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो सिंपल चीज है कि मार्केट के हिसाब से कोई भी कंपनी अपनी प्राइस को डिसाइड करती है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट बट है थर्ड पॉइंट पे, और वो है स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक मिनट, आपको पता है हमारी बीकॉम की ऑनलाइन बैच चलती है, जिसमें हम लोग लाइव लेक्चर एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ
1999 है, तो अभी के अभी आप लोग हमारा कॉन्टेक्ट करें इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको समझाऊ तो लाइफ साइकिल होता क्या है। तो देखो, कोई भी प्रोडक्ट होती है ना, उसकी लाइफ साइकिल होती है, यानी कि सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आती है उसका इंट्रोडक्शन होता है, जो सबसे सर्वाइवल स्टेज माना जाता है। फिर होता है ग्रोथ स्टेज, फिर होता है मैच्योरिटी, फिर होता है डिक्लाइन स्टेज, यानी कि ये प्रोडक्ट इस टाइम पे और इस टाइम पे, दोनों टाइम पे मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, यहाँ पे डिमांड बढ़ती है और मैक्सिमम डिमांड होती है मैच्योरिटी के टाइम पे। तो सिंपल चीज है, कोई भी प्राइस फिक्स करने से पहले मैन्युफैक्चरर को ये पता लगाना है कि उसकी प्रोडक्ट कौन से स्टेज से गुजर रही है। अगर मैन्युफैक्चरर ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता है शुरुआत में, यानी कि इंट्रोडक्शन पीरियड में, तो उसको अपनी प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी। और अगर मान लो वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है नई प्रोडक्ट से, ठीक है, यानी कि वो हम ये कह सकते हैं कि उसका मैच्योरिटी स्टेज हो, मैच्योरिटी स्टेज यानी कि उसकी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो वो पता है क्या करेगा, अपनी प्राइस को बढ़ा देगा। और जब मान लो पीरियड होगा ग्रोथ पीरियड, ग्रोथ स्टेज होगा, तो उस टाइम पे उसको फ्रीडम एंजॉय करेगा, यानी कि वो धीमे धीमे प्राइस को बढ़ाएगा और मैच्योरिटी के पीरियड में सबसे ज्यादा उसकी प्राइस होगी, ठीक है। और आखिरी वाला स्टेज होता है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज मतलब कि इस टाइम पे प्रोडक्शन जो है वो कम होता जाता है कंपनी का धीमे धीमे, और मार्केट में डिमांड भी कम होती जाती है, तो जिसकी वजह से वो कंपनी क्या करेगी, अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना वो कम रखेगी, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर थर्ड। नेक्स्ट आगे बात करें पॉइंट नंबर फोर्थ, और वो है प्रोडक्शन कॉस्ट। कोई भी कंपनी होती है ना, उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखो, कोई भी प्रोडक्ट अपनी प्राइस डिसाइड करने से पहले ना ये देखता है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन बन रही है, तो इसके पीछे बनने का खर्चा क्या है, उस खर्चे के बेसिस पे इस पेन की प्राइस को डिसाइड किया जाएगा। आगे बात करें कि फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अब देखो कोई भी तरह के दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वर्किंग कॉस्ट, यानी कि हम कहेंगे एक ऐसे खर्चे जो फिक्स्ड है, यानी कि जो होने ही वाले हैं, और एक होता है वर्किंग कॉस्ट, जिसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, यानी कि मैं जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा उनका खर्चा भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना होता है, प्राइस को डिसाइड करना होता है। आगे बात करें वो है पॉइंट नंबर फाइव, और बिहेवियर ऑफ कस्टमर। जब भी हम लोग प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करते हैं, तो उस टाइम पे हमको ये ध्यान रखना है कि कस्टमर की साइकोलॉजी और कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। अगर मान लो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करती है और वो करंट फैशन के अकॉर्डिंग चलती है, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस ना ज्यादा होगी, हायर होगी। और अगर मान लो कस्टमर जो है उसको परचेस कर रहा है रेगुलरली, तो भी उस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होगी। बट अगर वो कस्टमर बहुत टाइम बाद परचेस करता है, लॉन्ग टाइम के बाद, तो उसकी जो प्राइस है ना वो क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि प्राइस को कौन सी चीज अफेक्ट करती है, एक तो अफेक्ट करता है कस्टमर का ट्रांजैक्शन, और दूसरी चीज अफेक्ट करती है उसकी कैपेसिटी। इन दोनों चीज के बेसिस पे हम लोग प्राइस को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर सिक्स, और वो है चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि क्या कोई कस्टमर को गुड्स खरीदना है तो जहां प्रोडक्शन होता है वहां जाएगा या मार्केट जाएगा। सिंपल आंसर है, वो मार्केट जाके खरीदेगा। तो मार्केट तक एक प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर गुड्स कैसे पहुंचाएगा, थ्रू द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो अलग अलग तरह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई भी प्रोड्यूसर है, वो अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक डायरेक्टली बेचता है, बीच में कोई भी तरह के मिडलमैन नहीं है, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन, मिडलमैन का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और कस्टमर को कम प्राइस में वो प्रोडक्ट मिलेगी। जैसे आपको एग्जाम्पल दे, बाटा हो गया, ठीक है, फिर यूनाइटेड 18 का फैक्ट्री आउटलेट हो गया, और ऐसे बहुत सारे जो सीधा प्रोड्यूसर किसको बेच रहा है, एक कस्टमर को बेच रहा है, तो यहां पे उस प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी। बट अगर उस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है मिडलमैन के थ्रू, जैसे एजेंट हो गया, होलसेलर हो गया या रिटेलर हो गया, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ज्यादा रहेगी और हर स्टेज पे उसका मार्जिन ऐड होता रहेगा। तो सीधी सी बात है, मार्जिन ऐड होगा प्रॉफिट का, तो प्रोडक्ट महंगे में बिकेगी। तो बहुत इफेक्ट करता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे उस प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ावा या कम होता है। नेक्स्ट बात करें, और वो है नंबर सेवन, कंपिटिटर्स प्राइस। मॉडर्न एज के अंदर, आज के अंदर जो प्रोड्यूसर है ना, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कंपिटिटर की प्राइस हमसे अलग हो।
जनरली कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है वो ये ट्राई करने का क्रिएट करता है, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई एक प्रोड्यूसर है वो ये चाहता है कि वो लोगों के दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट करे अपने प्रोडक्ट की, एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट वो लोगों को प्रोवाइड करे और उनकी रिलेशनशिप बिल्ड करे और गुडविल बिल्ड करे, यानी कि एक अच्छी गुडविल बने, एक अच्छी रेप्यूटेशन बने मार्केट में, तो पता है वो प्रोडक्ट या प्रोड्यूसर क्या होगा, उस प्रोडक्ट की प्राइस हाई चार्ज करेगा। जैसे एग्जाम्पल ले ले आईफोन का, आईफोन क्यों हाई चार्ज करता है देख सकते हो, वो ना कभी किसी से कंपटीशन नहीं करता सिवाय एक है सैमसंग, बट फिर भी इसके दूर दूर तक कंपटीशन नहीं है आईओएस के अंदर। तो सिंपल चीज है कि वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रखेगा, क्योंकि वो क्यों ज्यादा रख रहा है, क्योंकि वो ये चाहता है कि लोगों के दिमाग में एक गुडविल बिल्ट हो और लोग इस प्रोडक्ट को सुपीरियर माने। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर मान लो बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स है, वैरायटी है प्रोडक्ट्स, तो वो भी इफेक्ट करता है प्राइसिंग को। जो कस्टमर्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, वो प्राइस को नहीं देखते। आपको ना इस चीज को एकदम इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। अगर मान लो कोई प्रोड्यूसर है जो बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स देता है, तो आपको पता है कि वो प्राइस को ना थोड़ी ज्यादा रखेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो इतनी सारी रेंज दे रहा है, वो प्राइस को फिक्स भी रखेगा और ज्यादा भी रखेगा। बट अगर मान लो कोई प्रोड्यूसर है जो ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं देना चाहता, तो वो अपने प्राइस को क्या रखेगा, लो रखेगा, क्योंकि वो एक ही तरह की प्रोडक्ट दे रहा है, एक ही तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो कोई भी चीज की प्राइस डिपेंड करती है उसकी वैरायटी पे, मतलब कि कितनी अलग अलग तरह की प्रोडक्ट वो बेच रहा है। फिर आगे बात करें, 9th है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड बेनिफिट्स। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ना प्राइस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। आपको पता ही है गवर्नमेंट ना बहुत बार लॉज और कंट्रोल लाती है प्राइस की फिक्सिंग पे। जैसे पता है आपको, गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला था MRTP एक्ट, यानी कि मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, और उसने ना प्राइस पे बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था। वैसे गवर्नमेंट अलग अलग तरह की प्राइस निकालती है, अलग अलग तरह की हम लोग कह सकते हैं पॉलिसीज और लॉ निकालती है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट को सीधा अफेक्ट पड़ता है। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि कोई भी लॉ अगर गुड्स के होल्डिंग को अफेक्ट करता, एनकरेज करता है, तो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। यानी इन शॉर्ट हम ये समझे कि प्रोडक्ट की प्राइस को लेकर के अगर गवर्नमेंट फेवर में है तो प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, बट अगर गवर्नमेंट अनफेवर में है तो प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होगी। तो सिंपल चीज है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अफेक्ट करती है हमारे प्राइसिंग को। नेक्स्ट बात करें नंबर 10, इकोनॉमिक सिचुएशन। कोई भी मैन्युफैक्चरर भाग नहीं सकता जनरल इकोनॉमिक कंडीशन से जो मार्केट में चल रही है। यानी कि मार्केट में दो तरह की सिचुएशन होती है, एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिप्रेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है मार्केट सबसे बूम पीरियड में, मतलब कि मार्केट में तेजी है, बेस्ट है मार्केट सिचुएशन। और एक होता है डिप्रेशन, यानी कि होता है मंदी होना। तो ये दोनों ही सिचुएशन में मार्केट की डिमांड, मार्केट का प्राइस बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन यानी तेजी है, तो प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि प्राइस बहुत ज्यादा होगी। और सेम वे में अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज होगी डिप्रेशन के टाइम, डिप्रेशन मतलब होता है मार्केट में मंदी होना, ठीक है। तो प्राइस किस पे, किसको देख के इफेक्ट हो रही है, तो प्राइस ना मार्केट की सिचुएशन को देख के, कि क्या मार्केट में तेजी है या मार्केट में मंदी है। तो दोस्तों ये थे टोटल 10 पॉइंट फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग के। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।